नया सवेरा के ऑनलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जौनपुर जिला जेल के अंदर श्रीराम के भजन पर जमकर झूमे बंदी। बंदियों के मानसिक और नैतिक सुधार के लिए जेल में श्रीराम कथा का हुआ आयोजन। यहाँ वीडियो में दिखाई दे रही ये श्रीराम कथा की झलक किसी सार्वजनिक स्थल मंदिर या किसी व्यक्ति के घर की नहीं है, बल्कि यह तस्वीर जौनपुर जिला जेल के अंदर की है। जेल के अंदर 5 दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन किया गया है। तस्वीरें देखिए कैसे सभी बंदी एक साथ बैठकर भगवान राम की कथा का श्रवण कर रहे हैं। महिला बंदी हो या पुरुष, सभी भगवान राम की कथा में ध्यान लगाए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जेल में कथा का क्या औचित्य है, तो जरा जेल के अंदर दीवार पर लिखे इस स्लोगन को पढ़ लीजिए। देखिए साफ साफ लिखा है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों इन बंदियों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा सुनाई जा रही है। दरअसल भगवान की कथा के माध्यम से इन बंदियों के अंदर नैतिक और मानसिक सुधार लाने का एक प्रयास किया जा रहा है। जेल प्रशासन को उम्मीद है कि भगवान की कथा और भगवान के जीवन के बारे में सुनने के बाद संभवतः बंदी जेल आए बाहर जाने के बाद दोबारा किसी तरह का कोई गैर कानूनी काम न करे और समाज में अच्छे आचरण के साथ रहने का प्रयास करे। आप कुछ कर सके, प्रकाश पुंज बनकर दुनिया में बिखर सके, उसके पीछे का उद्देश्य यही है। इसलिए परमात्मा की असीम कृपा, यह तो जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देखिए हमारा कारागार विभाग अब कारागार सुधार विभाग के नाम से जाना जाता है। ये पूर्व के ब्रिटिश काल का कारागार नहीं है। अब कारागार का मुख्य लक्ष्य ही बंदियों के नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान को पूरा करना और उनके अंदर परिवर्तन का भाव लाना है। हम बंदियों को सुधार के लिए, उनके नैतिक और आध्यात्मिक सुधार के लिए 5 दिवसीय रामकथा का आयोजन सौ भारती के सहयोग से, आदरणीय आपके सहयोग से इस तरह के कार्यक्रम इसलिए कराया जा रहा है कि बंदियों के मनस्थिति में आमान परिवर्तन हो सके और यहाँ से छूटने के बाद वो फिर किसी अपराध में कारागार के अंदर ना आ सकें और बाहर निकलने पर समाज में के मुख्य धारा में स्थापित हों और समाज में अन्य लोग जो साथ हैं इनके, जो इनके कभी साथी रहे हों अपराध में, उनको भी सुधार सकें ये कि नहीं ये रास्ता गलत है और हमने तो अध्यात्म सीख के आया है, हम लोगों तो ग्राम कथा सुने हैं उसमें ये बताया गया है। तो कुल मिला के हमारा बल इस पर है कि बंदियों का नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान हो सके। ये कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है और 22 तारीख तक चलेगा। 5 दिवसीय कार्यक्रम है। सब भारती जी के सहयोग से, आपके सहयोग से, आपके सहयोग से, आपके पूरे संगठन के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है और हम आप सभी के आभारी हैं कि इस तरह के कार्यक्रम में आप लोगों ने जेल में कराने का हमें अवसर दिया। देखिए हमने भी मानस का अध्ययन किया है, हमने गीता का अध्ययन किया है, हमें इसके पूरे अंतःकरण की स्थिति मुझे पता है कि इनके पढ़ने के बाद वो किसी, अगर मनुष्य है पशु नहीं है तो किसी न किसी तरह से उसका हार्दिक परिवर्तन होगा। नया सवेरा के साथ जुड़े रहें और देखते रहें हर बड़ी व महत्वपूर्ण खबरें।